please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अनीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार। हिंदुस्तान का हर शख्स चाहता था कि देश के एक शहीद का बदला पाकिस्तान के 10 सैनिकों को निपटा कर लिया जाए, तो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वो पराक्रम दिखाया है जिससे हर भारतवासी को, देशवासी को, आपको गर्व होगा और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक के बदले 10 नहीं बल्कि एक के बदले एक दर्जन पाकिस्तानियों को निपटाकर हिसाब बराबर कर दिया गया है। कल शाम 4 बजे बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ और आज सुबह बीएसएफ ने बदला पूरा कर लिया। लेकिन आज एक बार फिर पाकिस्तान का बड़ा पाखंड सामने आ गया। पाकिस्तान ने अपनी झूठ की फैक्ट्री में कुलभूषण जाधव का नया वीडियो तैयार किया जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो आज हम पाकिस्तान के इस नए फरेब की पूरी पोल खोल कर रख देंगे और आज आर पार में हम कुलभूषण जाधव पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं और इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सीधा होगा, जोरदार होगा आर पार। नए साल में ये भारत का पहला बदला है। पाकिस्तान की कायर सेना को अंदाजा भी नहीं होगा कि बीएसएफ के एक जवान की शहादत की कीमत उसे एक दर्जन पाकिस्तानी रेंजर्स की जान देकर चुकानी होगी। कल पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में बीएसएफ के कांस्टेबल आरपी हाजरा शहीद हो गए थे। इसके 16 घंटे के भीतर बीएसएफ का कहर पाकिस्तान पर टूट पड़ा। बीएसएफ ने 12 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के 3 मोर्टार पॉइंट तबाह हो गए। बीएसएफ ने घुसपैठियों को भी मार गिराया। मैंने आपको बताया कि उनका लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बीओपी का, पाकिस्तान बीओपी के अंदर, उनका काफी नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए नया फर्जीवाड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का नया फर्जी वीडियो जारी किया है जिसमें वो पत्नी और माँ से मुलाकात के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को शुक्रिया कह रहे हैं। ये पाकिस्तान की नीचता है, कूटनीति का दुरुपयोग है, डिप्लोमेसी का महान अपमान है। इस किस्म की बिहेवियर जो एक आदमी को अपने कब्जे में लेके उसके ऊपर दबाव लगा के ऐसे बोलने के ये प्रेशर लगा के उसके ऊपर वीडियो भी करके सर्कुलेट करना, ये सब तो हम देखा नहीं है, ये अच्छा नहीं है और कोई और देश जो सिविलाइज माना जाता है ऐसे कभी नहीं करते। लेकिन जरा इस वीडियो को गौर से देखिए जिसमें कुलभूषण जाधव भारी दबाव में दिख रहे हैं। वीडियो में जाधव कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्हें टॉर्चर नहीं किया गया, जबकि माँ और पत्नी से मुलाकात के दौरान उनके सिर और कान के पास जख्म के निशान साफ देखे जा रहे हैं। साफ है कि उन्हें डरा कर ये वीडियो शूट किया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक के बदले एक दर्जन को मारने वाली भारतीय पॉलिसी के बाद क्या बेशर्म पाकिस्तान के रवैये में कोई सुधार होगा? आज इसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा आर पार। एक के बदले एक दर्जन को मारा। बॉर्डर पर हारे तो झूठे वीडियो के सहारे ये पाकिस्तान के लिए बात कही जा सकती है। और अब विश्लेषण एक के बदले 10 की नीति पर काम कर रही है सेना। बीएसएफ के एक जवान के बदले 12 पाकिस्तानी रेंजर ढेर करे गए हैं। 16 घंटे के भीतर पाकिस्तान का हिसाब बराबर हुआ है। बेइज्जती से बचने के लिए जाधव का झूठा वीडियो जारी किया गया ये बताने के लिए कि हमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। बेसिकली उनका मीडिया डायरेक्शन को बदले इसीलिए ये सब कुछ किया गया। मैं सीधा रुख करता हूँ अपने पैनल का। मेरे साथ आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ तारिक पीरज़ादा जुड़ रहे हैं जो कि इस्लामाबाद से इस समय लाइव हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया इस समय लाइव। मेरे साथ AGB जैनी है जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, KK सिन्हा है जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। मेरे साथ मौलाना अतर हुसैन देलवी हैं
जो कि अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी से रखते हैं और भारत पाकिस्तान संबंधों पर अपनी राय बहुत मुस्तैदी के साथ रखते हैं। आपका भी स्वागत है। मैं सीधा इस डिबेट को ओपन करता हूं और इस डिबेट की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे, और 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय में जो भारत ने नीति अपनाई है, जो भारत की फौज ने नीति अपनाई है, उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कुलभूषण जाधव का वीडियो रिलीज किया गया है, व्हाट इज योर टेक? गौरव भाटिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीश आप। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुलभूषण जाधव को मिलिट्री ट्रायल मिला, जो प्रूफ या एविडेंस उसके खिलाफ था वो भी उसको नहीं दिया गया। काउंसलर एक्सेस, जो कि जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा भारत को, वो भी नहीं दिया गया। उनकी माता और उनकी बीवी के साथ किस तरह का घिनौना बर्ताव किया गया ये सब हम जानते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले यूएस ने एड इनकी काटी है, तो इनके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये पूरे विश्व में एक्सपोज हो रहे हैं कि पाकिस्तान अब एक आतंकवादी देश है। और ये जो भीख का कटोरा हमेशा से अमेरिका के सामने रखते थे, अब किसके सामने रखेंगे? तो तभी इस तरह के फेक वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज फेक करने में सबसे आगे है, इन्होंने निकाला जो पूरी तरह से दबाव में है। अगर ये सत्य चाहते हैं सामने आए, काउंसलर एक्सेस दे दे, भारत से एडवोकेट और वकील जाने दे, कुलभूषण जाधव का केस लड़ेगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इसीलिए ये नहीं करेंगे क्योंकि अंदर से बहुत सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए और इनका जो घिनौना चेहरा विश्व के सामने है वो कहीं असलियत बाहर आ जाएगी। मैं रुक करता हूँ तारिक पीरजादा का। तारिक पीरजादा, आराम से डिबेट हो तो बेहतर है। अगर आप इस डिबेट को बिल्कुल मछली बाजार बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक एक करके पॉइंट्स में बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि भारत की फौज ने आपका बड़ा नुकसान करा है, आपके 12 पाक रेंजर्स को मार गिराया है। उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जब बॉर्डर पर हारते हैं तो फर्जी वीडियो के सहारे होते हैं आप, और इसी प्रोग्राम में मैं आपको एक बड़ा खुलासा भी दिखाऊंगा, इंतजार करिए आप। बताइए तारिक पीरजादा। हाँ जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस फौजी की लाश उठा ली होगी और दो जख्मी भारतीय फौजियों की के जिस्म जिन्हें हमने आपकी तरफ फेंका है अभी भी, मुझे उम्मीद है उनको शायद दफना भी दिया हो या जला दिया हो, जो भी करते हैं आप। तीसरी बात कि आपने मारा है, बड़ा तीर मारा है, आप और मारिए, हमने कब रोका है? लेकिन ये झूठे दावे जो है ना, ये छुपा नहीं सकते इस बात को कि कुलभूषण हिंदुस्तान की बहरिया का हाजिर सर्विस रॉ का गुमाश्ता है और आप लोगों का नुमाइंदा है, दहशतगर्द है, जिसे हमने फांसी बहुत जल्द देनी है और आप उसका अच्छा आपके और जो 12 से 15 मरे हैं उनका आपने क्या किया है? जो आपके 12 से 15 मरे उनका क्या किया? झूठ आप क्या किया उनका? अगर कोई मरा होता, एक मारा था आपने, तो हमारा एक शहीद करा था, आंख में आग डाल के 12 मार के आए हैं। ये ताकत है भारतीय फौज की, सुनो ये ताकत है तारिक पीरजादा भारतीय फौज की। सुनो, आप भारतीय फौज साहब, देखिए ये झूठ का आसरा लेना तो पाकिस्तान की फितरत में रहा है। आप लोगों ने कारगिल में भी डिनाई कर दिया कि हम तो नहीं थे जी, ये तो अपना आजादी वाले थे। आपने 1971 भी डिनाई कर दिया कि जी ये तो कुछ हुआ ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक भी डिनाई कर दिया आपने, तो ये डिनाइल ही तो आपके पास में एक बचाव है और बचाव आपके पास में रह क्या गया? क्योंकि आप असलियत को कबूल नहीं कर सकते और डिनाइल का आपका ये फितरत में है, क्योंकि आपका और आपकी गवर्नमेंट का, आपकी मिलिट्री का एक रसूल रिवाज बन गया है कि दुनिया को गुमराह करना, उनको गलत इंफॉर्मेशन देकर उनको एक मीडिया हाइप करना। आपने कुलभूषण यादव को एक टेररिस्ट बना दिया, आपने उसको एक स्पाई बना दिया, जबकि वो एक नेवी का ऑफिसर था और टकराएगा ईरान में बिजनेस कर रहा था। और कश्मीर आजाद होना है, कश्मीर को आजाद होना है, अच्छे देश को, एक अच्छे वक्ता को असलियत अच्छा कुछ नहीं।
भारत एक सांप है और सांप का सर कुचल रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले बोला था कि आप डिबेट के अंदर बीच में मत बोलिए। आप बोल लीजिए, मैं सुन लूंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो कृपा करके आप सुनने की तहजीब रखिए। नहीं, मुझे लगता है वो तहजीब का दायरा नहीं है तारिक। मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप सुन रहा हूँ भाई, आप लगातार बोल रहे हैं उल जलूल बोल रहे हैं आप। जैसे पाकिस्तान करता है झूठ और सच को मिला के। अभी मैं आपको, अभी मैं जाधव पर इतना बड़ा खुलासा करूंगा कि आपको नजरें नहीं मचेंगे आपकी हमारे से मिलाने के लिए। मैं ऐसी खबर आपको बताऊंगा। अब मिलाइए, बैठ के बैठे रहिए आप, बैठे रहिए आपको। आपको मैं बता रहा हूं, अब से वादा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक 16 मिनट बाद बहुत बड़ी खबर बताऊंगा मैं। इंतजार करिए, सिर्फ 16 मिनट का इंतजार और है मुझे, और ऐसी खबर बताऊंगा तारिक पीर दादा। हमारी मरने की खबर ना सुनाना, देखो मोदी के मरने की खबर ना सुनाना, बाकी सब ठीक है। का भौकलाया बंद करो, आपके जैसे वक्ता के दूर बातें कुछ पूरे देश पूरे दुनिया देख रही है, और बातें कुछ कह रहे हैं, उठा के फेंक दिया जाएगा आपको। बात सुनो, क्या शब्द बोल रहे हैं आप? अमेरिका नहीं डरा सकता तो भारत जैसा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या कह सकते हैं? कुछ कर पाए आप? बातें कर रहे हैं आप? कम से कम तरीके से तो बहस करिए दादा साहब। पहले इससे ठीक है, आपकी मंद बुद्धि है, आप नहीं सही बोल पाते। आज 12 पाकिस्तानी रेंजर मारे गए हैं और आगे और मारे जाएंगे, क्योंकि आप जैसे मंद बुद्धि लोग आते हैं जो पाकिस्तान को सही सलाह भी नहीं दे सकते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 40 पाकिस्तानी सोल्जर मारे थे, आपको ऐसा झटका लगा तो आप शायद अपनी सोच को भी खो बैठे हैं। ठीक है, फौजी आप शब्द मत बोलिएगा। तहकीकात के मुताबिक इतनी गोलियां मारेंगे छेद नहीं गिन पाएंगे आप लोग, समझे आप? इतनी गोली मारेंगे छेद नहीं गिन पाएंगे अगर आप शब्द बोले। बांग्लादेश याद है ना, कैसे पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया था? ऐसा ना बलूचिस्तान अलग हो जाए, समझे? अब शब्द मत बोलिएगा। और जो जवान शहीद हुआ है हमारे देश का, उसको हम लोग कंधे देने के लिए 125 करोड़ है, एक भारत सेना का जवान आपकी पूरी सेना के लिए काफी है। आप जैसे कमजोर दिल, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता मत करिए, वो बड़े बहुत इत्मीनान से यहाँ पर रह रहे हैं। आपके क्या, आपके अब्दुल हमीद हमारे देश के थे, हमें गर्व है अब्दुल हमीद पे। अब्दुल हमीद ने क्या हाल किया था आपका याद है? पूरी दुनिया जानती है। मौलाना देलवी बार बार ये इस्लाम का सहारा लेते हैं, इस्लाम के ये कुछ सिखाता है, इनसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ पर है और कुछ है? देखिए, सच्चाई की बात ये है, आप रिप्रेजेंट करते हैं उस तबके को। सच्चाई की बात ये है कि हिंदुस्तान के अहले इल्म, जिसको इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, उस तबके ने मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को नकार दिया था और पाकिस्तान बदकिस्मती से इस्लाम के मुकद्दस नाम पर बना। लेकिन तारिक पीरजादा शायद दुनिया में अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा सकते, इनका मतलब पाकिस्तानी, कि ये वो कौम है जिन्होंने अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक आदमी के कत्ल के जुर्म के अंदर रातों रात फांसी दे दी। ये वो कौम है जिसने अपनी उसकी बेटी जो भी दो मरतबा प्राइम मिनिस्टर रही बेनजीर भुट्टो को खुलेआम मरवा दिया। ये वो कौम है जो लाल मस्जिद में घुसकर मदरसे के बच्चों और मौलवियों में गोली चलाते हैं। ये वो कौम है जो खैबर पख्तून के अंदर आम इंसानों को मारते हैं। ये वो कौम है जो ऐसे लोगों को पालते हैं कि आर्मी स्कूल पेशावर में घुस के मासूम फौजियों के बच्चों को कत्ल करवाते हैं। ये वो कौम है जिन्होंने बंगालियों को जलील करा। ये वो कौम है जिनके बारे में ईरान ने कहा, ये वो कौम है जिसके बारे में कल हामिद करज़ई ने कहा कि जब तक अफगानिस्तान के बराबर में पाकिस्तान है उस वक्त तक इस खत्ते में अमन नहीं आ सकता। ये वो कौम है जिनके बारे में मुजीबुल्लाह ने कहा था कि अगर दुनिया में शैतान देखना हो तो पाकिस्तान के तौर पर देख सकते हैं। इसलिए हमारी फिक्र मत करो, फिक्र ये करो कि तुम्हारा हाल क्या है। तुम्हारे नेता करप्शन में फंसे जाते हैं, खैबर पख्तून तुमने तबाह बर्बाद कर दिया, मुहाजिरों को तुमने बर्बाद कर रखा, और बारह लोगों को हमीश इनकी परेशानी क्या है? ये जो 12 फौजी इनके मारे गए हैं, ये उन 12 फौजियों के घर वालों को भी नहीं बताएंगे कि वो मार दिए गए, क्योंकि लोग इनके खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे। ये अपनी उस शर्म को मिटाने के लिए, उसी शर्म को मिटाने के लिए, सही कहा आपने, उसी शर्म को मिटाने के लिए तो जाधव का वीडियो रिलीज करा के सिन्हा साहब, उसी शर्म को। अरे बात सुनो, इस मुल्क को
बांग्लादेश तोड़ा था और इंशाल्लाह दावे के साथ कह रहा हूँ अगले 5 साल में खैबर पख्तून और बलोचिस्तान तुमसे अलग होगा इंशाल्लाह ताला। इन्हें पता है इनकी औकात क्या है। अबुल कलाम का एहसान भी नहीं उतारा था। ठीक है तारिक भी ज्यादा थोड़ी स्ट्रेटजिकली बात हो जाए। गला बैठ गया बैठ सुने एक प्यार थोड़ी स्ट्रेटजिकली बात हो जाए। धीरे से बात करना चाहूंगा आपसे। तारिक पीरजादा साहब प्लीज फॉर द गॉड सेक ग्रीन टी पी रहा हूं। तारिक पीरजादा प्लीज फॉर द गॉड सेक अल्लाह के लिए कुछ कर्म करें। सुने देखिए सबसे बड़ी जो चेंजेस है आपकी बौखलाहट की कि आपने एक स्नाइपर से एक जवान को मारा और आपके दो पूरे पोस्ट उड़ा दिए पूरे पोस्ट और 3 मोटर पोजीशन। ये बताओ अब तो मोटर लोकेटिंग रडार लग गई है। हमारी रिस्पांस देखिए सर ये तो आईबी में हुआ है 740 किलोमीटर की एलओसी के ऊपर में। जब इस तरह के 12-12 36 मारे जाएंगे एक के बदले 36 ये हमारा रिजॉल्व है। अरे एक के बदले में अरे तुमने 81 ईरान से अगवा किया है। हम 100 ऐसे कुलभूषण यादव को अगवा कर सकते हैं। ये तो हमारी भारी मानस है। तारिक पीरजादा आप तारिक पीरजादा थोड़ी एक्सपर्ट है हमारी कैपेबिलिटी है। हम 100 कुलभूषण यादव कर सकते हैं। हमने नहीं किया हमने देखिए हमने नहीं किया। ये कहते हैं नेशन एक रोग स्टेट से क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा अनिश बोल रहे हैं आप 15 मिनट बाद देखेंगे अगवा का पूरा ड्रामा फिर आपका खून खोलेगा। तारिक पीरजादा आईएसआई में बोल दीजिए जल बाजवा को बता दीजिए। सेना साहब देखिए मैं तारिक पीरजादा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। स्ट्रेटेजिकली बात करिए ना एक के बदले अगर 12-12 मारे जाएंगे तो आप कहां खड़े होंगे। कहां खड़े होंगे आप। देखिए अमेरिका ने आपको दरकिनार कर दिया है। व्हाई आर यू नॉट रियलाइजिंग आप कहां खड़े हैं। आप भारत से पंगा ले रहे हो। भारत डम करेगा आपके चाइना डम करेगा इनको झूठ बारिश तारिक पीरजादा गिर रहा। हम आपके हास्य कलाकारों के बहुत इज्जत करते हैं। उमर शरीफ की बहुत इज्जत करते हैं। आप कम अज कम यहाँ पे जो लाफ्टिंग शो मत करो सच्चाई की बात करो। यहाँ पर जोकर बन के बात मत करो। और मैं आपको अमित से कहूंगा कि आपको हम लोग जनरल नियाजी की वो पिक्चर हम अपने एलओसी पर लगाएंगे ताकि तुम्हारा हर फौजी देखे कि जब होगा तो हर फौजी को अपने अंदर जनरल नियाजी नजर आएगा। जी आपकी लाशों की गिनती कुलभूषण से शुरू होने वाली है। अरे ये देखिए लुक एट यू आप आईसीजे में जो केस चल रहा है उसको अब ये बात बोल रहे कबूल कर गए। नहीं नहीं कुलभूषण यादव आएगा। अच्छा अरे यही तो हमने पीरजादा साहब यही हम हमेशा कह रहे हैं कि आपका कैंगरू कोर्ट जिसने की उसको ट्राई किया और उसको डेथ सेंटेंस दिया वही कैंगरू कोर्ट उसकी अपील सुनेगा। और मैंने तो लिख के दे रहा हूं अमीश पिछले बार भी आपके स्टूडियो में मैंने बोला 16 जनवरी को उसकी अपील रिजेक्ट करेंगे कुलभूषण यादव को फांसी के तख्ते पर ले जाएंगे। बहुत थैंक यू पीरजादा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो कबूल कर लिया कि हम लटकाएंगे उसको। नहीं देखिए नेशनल डिबेट में बता रहा हूं आपकी हिम्मत नहीं है कुलभूषण यादव को छूने की। ऐसे ऐसे 100 पीरजादा इधर आएंगे फिर अरे हिंदुओं मर्द बनो देखो देखो खुद को मत लाओ खुद को मत लाओ इतने मत करो। तारिक पीरजादा देखिए मुझे लगता है कि आप में सभ्यता के सारे दायरे टूट चुके हैं। सिरसा बोल लोन तारिक पीरजादा मुझे लगता है सभ्यता के सारे दायरे आप छोड़ चुके हैं। आप किसको मर्द और औरत बनने की बात करते हैं। हमारे औरतें भी बहुत ताकतवर है। इंदिरा गांधी याद है इंदिरा गांधी जिसने आपके मुल्क को
तोड़ दिया था, याद है इंदिरा गांधी की? नहीं याद है? क्या बात करते हैं आप? मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जाधव पर बहुत जबरदस्त खुलासा ब्रेक के उस पार। और तारिक पीरजादा आईएसआई में बता दो, अपनी सरकार में बता दो, जो आज न्यूज 18 इंडिया प्ले कर रहा है वो आपको हॉन्ट करेगा अगले कुछ दिनों तक, जरूर देखेगा तारिक पीरजादा। और अब वक्त है बहुत बड़े खुलासे का, जो हम आपको बताने वाले हैं। जाधव पर बहुत बड़ा खुलासा। मेरे साथ पाकिस्तान से मेहमान मौजूद है, मेरे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद है, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। जाधव पर बहुत बड़ा एक्सपोज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको बताते हैं कि जाधव पर यह बहुत बड़ा खुलासा क्या कहता है तारिक पीरजादा, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बड़ा जरूरी है। और यह बहुत बड़ा खुलासा कहता है, न्यूज 18 इंडिया ने जाधव के अपहरणकर्ता को ढूंढ निकाला है। जाधव के अपहरणकर्ता जो है वो मुल्ला उमर ईरानी ने करवाया था जाधव को अगवा, ये बड़ी खबर है। और ये उसकी फोटोग्राफ आपके सामने लगी हुई है, मुल्ला उमर ईरानी ने करवाया था जाधव का अगवा। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार उमर की तस्वीर आप इस समय लाइव देख रहे हैं। जाधव का अपहरण के पीछे संगठन कौन सा था? जैश उल अदल ने किया था यह अपहरण। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईरान के चाबहार से करवाया गया था यह अपहरण, बिजनेस के बहाने चाबहार से सारबाज लाया गया। जाधव को फिर अपहरण करके पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तानी सेना ने से पैसे लेता है अदल। कराची में है जैश उल अदल का ठिकाना। तो ये उसकी फोटोग्राफ इस समय आप लाइव देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं पाकिस्तान से इस पर। मेरे साथ पाकिस्तान से मेहमान बने हुए हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका तारिक पीरजादा साहब? अब तो हमने उस शख्स को ढूंढ निकाला है जिससे जिसको आपने ठेका दिया था अगवा करने का, बताइए। और संजीता होके जवाब दीजिएगा, नहीं संजीता होके जवाब दीजिएगा। हमने आपको सीरियस बात करने के लिए बुलाया, मजाक करने के लिए नहीं बुलाया। हाँ बिल्कुल संजीदा होकर जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल आहिस्ता बात करूंगा। हाँ बताइए। देखो हमेश, मैं आपको एक संजीदा एंकर समझता था, लेकिन ये जो आपने नाम नेहाद झूठी खबर चलाई कि जी उसको तो मुल्ला उमर खुरासानी, इस नाम का कोई जानवर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस ये नाम फोटोग्राफ का कोई कौन से जानवर की है? इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सही बोला, जानवर है ये। अब सुन लो, ये फोटोग्राफ किस जानवर की है? बिल्कुल झूठ बोला। लिहाजा इस खबर को दोबारा लिखवाओ किसी और से, कोई और तस्वीर लेके आओ टीवी पे। ईरानियन, देखिए ये ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है। ये आपको कराची के कंटोनमेंट के बाहर कुलभूषण यादव को हैंडओवर नहीं किया, आप ये कह रहे हैं मुल्ला, आप एम्बेसडर जर्मनी, ये हम नहीं कर रहे, ये अनीश जी नहीं कर रहे, ये एम्बेसडर जर्मनी का नैरेटिव है। मैं तुम्हारा रंग पीला पड़ गया, अरे मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, झूठ पकड़ लिया, नाम का झूठ पकड़ लिया। ईरान ने आपसे बोला है तुम्हारी झूठी खबर का, आपने डोजर मंगा लिया, आपको बोला कि काउंसलर एक्शन दे दो, आपने कह दिया ना उसको मारोगे। ईरान को कैसे घबरा क्यों गए मुल्ला उमर ईरानी की फोटो देखकर? आपके संपर्क में था क्या? घबरा गए मुल्ला उमर ईरानी की फोटो देखकर? इतना घबरा क्यों गए? आपके संपर्क में था क्या? आज आपने जाधव का झूठा वीडियो रिलीज कराया क्योंकि आपको अपने देश में एम्बैरेसमेंट ना हो, जो पिटाई हुई है बॉर्डर पर। अच्छा एक बात बताइए, बॉर्डर पर जो पिटाई हुई है उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ये सब कुछ किया आपने? अरे ये मुल्ला उमर तो दिख रही है, इसका मतलब इससे बेहतर था कि तुम इस मुल्ला का नाम मुल्ला उमर ईरानी रख देते। तो मुल्ला उमर ईरानी है आपका दोस्त है, आपने कह दिया, कह दी बात। याद है आपने पूरे विश्व को कहा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, और क्या हुआ? अब ओसामा में पाया गया, आप ही की धरती पे यूएस नेवी सील्स आए, ओसामा बिन लादेन को मारा और आपके थप्पड़ मारा कस के और चले गए। आपने कहा दाऊद इब्राहिम नहीं है पाकिस्तान में, पूरा विश्व जानता है वहीं पे है। सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सैयद पाकिस्तान, सुन लीजिए आप, बीच में मत बोलिए पीरजादा, बहुत अच्छा विश्वास करता हूँ। ज्यादा अगर गलत बोलेंगे तो आपे से बाहर हो जाएंगे, आपको बहुत खरी कोटी सुननी पड़ेगी, इसलिए सलीके से बहस करिए। मैं चाहता हूँ कि आप बोले, अगर आपके पास कोई अक्ल है
थोड़ी सी बातें करें, शाबाश। अगर आप ये मान के चलिए हमारे पास अकल नहीं है, शकल नहीं है, छोड़िए आप बड़े ही खूबसूरत हैं, आपके पास अकल है, पूरी विश्व देख रहा है आपका घिनौना चेहरा, अभी अभी एक्सपोज हुए हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ शालीनता से बहस करना दिखाएगा कि आपकी क्या परवरिश है। अमेरिका की परवरिश अगर अच्छी है तो कम से कम दूसरों की बात सुनिए, और वरना जैसे आतंकवादी आपके देश में पाए जा रहे हैं हम लोग मान लेंगे कि आप भी दिमाग से आतंकवादी ही है। अब सुनिए जी, मैं भूल जर्मनी बोल रहा है और ईरान बोल रहा है, नहीं बोल रहे ये बात। अरे इनको सेना ने सरेंडर किया, इनके मुल्क के अंदर 91,000 पाकिस्तानी मिला, इनके बगैर मिला, क्या कर लिया इन्होंने, या पीर यादा के पास कोई दर्द ही नहीं है इसका ना, आपने इसको आप सबको डाउन कराओ, मैं नहीं नहीं गौरव भाटिया, होल्ड ऑन, अगर पीर यादा साहब का फेवर आप लोग कर दे, गौरव जी एक सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। जो खुलासा हमने करा है ये बताता है कि आखिरकार किसको ठेका दिया गया था अगवा करने का, और इस नाम को सुनने के बाद तारिक पीरजादा कहीं ना कहीं बहुत बड़े ढंग से डिफेंसिव हुए। दूसरा पॉइंट, जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे पिटाई हुई उसको छुपाने के लिए झूठा वीडियो रिलीज किया गया, व्हाट इज योर टेक? अमीर जी, द फैक्ट इज, असलियत यह है कि पाकिस्तान इस समय अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर, आईसीजी का प्रेशर, यूएन का प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, और हमारे तरफ से जो प्रेशर है इनके अपने अपने नेताओं का प्रेशर, इनके अपने नेता कहते हैं हाफिज सईद क्या नहीं देता है, तो इस इनके अपने पत्रकार लिख रहे हैं, इस प्रेशर के दौरान ये एक ऑब्वियस बात है कि जिस तरीके से बौखलाहटपन है, जिस तरीके से इनका हुक्का पानी बंद हो रहा है, यही बोलेंगे है। और आप अकल की बात करते हैं पी दादा साहब, आप अभी आप अकल की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों में, आपकी जनता में, आपके गवर्नमेंट में, आपके मिलिट्री में अकल होती तो आप भारत के साथ में एक संधि का रिश्ता नाता रखते, एक दोस्ताना नाता रखते, जिसमें कि के आपकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती थी, ये बॉर्डर के तूतू में बंद हो सकती थी, गोलाबारी, फायर फाइट बंद हो सकती थी, लोग मरने बंद होते, सिपाही सिविलियन बनने बंद होते, और आप भी पनपते, हम भी पनपते, आज देखिए कितना खर्चा ये एक दूसरे को दुश्मनी में तब्दील हो रहा है, कितना देश का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, आप एक फेल्ड स्टेट है, आप एक रोग स्टेट है, आप एक कश्मीरियों का खून पीने वाले हिंदू, अरे खून कौन पी रहा है, खून तो आप बहाते हैं वहाँ पर, आप अपने किराए के टट्टू भेजते हैं वहाँ पर, आपने हुर्रियत को पाला है, सेपरेटिस्ट को पाला है, अंकलवादियों को पाला है, वहाँ से आप भेजते हैं हथियारों के साथ में एक तुझपुची ट्रेनिंग लेके, जिनको हमें मारना हमारा फर्ज बन जाता है हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए, किसका बात कर रहे हैं आप, कश्मीर का खून हमारा फर्ज है, कश्मीरी खून हमारा खून है, आपका खून खून भी पानी नहीं है, अमीश बकवास कर रहे हैं, आपका खून तो बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल तारीख बहाना तो जायजात की कश्मीर के खून की बात है कि ये सच्चाई नहीं बता सकते, कि इनको अपनी आवाम को ये बताने में शर्म आती है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है कि अगर उसको अरब, चाइना, तुर्की या दुनिया भर का सदका व खैरात न मिले तो ये अपनी आवाम को एक वक्त का दूध और चीनी भी नहीं दे सकती। ये ऐसा मुल्क है जिसने कभी हमारे यानी जिसको ये अपना कहते हैं उस कश्मीर को इन्होंने चाइना का सुपुर्द कर दिया है। ये ऐसी कौम है जिसने, अरे सुनो बेशर्म होने का, करो ये वो लोग हैं जिन्होंने सिल्क रोड के नाम पर तुर्की और ईरान का पैसा खा गया। अब मसला ये है, खाली चादरों का मतलब नहीं है, ये वो कौम है जिनके बारे में मशहूर है कि जो भी भारतीय यहाँ से इंतहा जाता है, आपको मालूम है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के दो मुर्शिदीन जब लाहौर गए थे इन्होंने उनको भी अगवा कर लिया था। ये हर जाने वाले को अगवा करते हैं, और आज मैं नहीं कह रहा पीरजादा, ये वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान ने कहा था, दुनिया में आतंकवादियों बहुत सारे मिलते हैं लेकिन आतंकवादी मुल्क एक ही जिसका नाम पाकिस्तान है, इसलिए सदका खैरात जमा करना बंद करो, दुनिया तुमको निकाल चुकी है, अरब तुमको निकाल के फेंक रहे हैं, इसलिए सुधर जाओ।
वजीर दिफा एंथोनी की एक बार फिर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर तारिक पीरज़ादा। देखिए, मैंने आपको डिबेट की शुरुआत में बोला था कि सिलसिलेवार तरीके से डिबेट करिएगा, सवालों के जवाब दीजिएगा। आप अभी यहां पर बोल रहे थे कि आप तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए गौरव भाटिया को भूल जाइए, दिलवी साहब को भूल जाइए, जैनी साहब को भूल जाइए, सेना साहब को भूल जाइए, मुझे भी भूल जाइए। अपने दिल को हाजिर नाजिर मार के बताइए आपके अपने मुल्क के अंदर। ये ले। नहीं नहीं बिल्कुल, आप सवाल का जवाब सुनिए। वेरी गुड। सवाल सुनिए पहले तारिक साहब। सवाल मेरा ये है, अपने दिल को हाजिर नाजिर मान के बताइए आपके अपने मुल्क के अंदर कितने लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक दिवालिया देश इस दुनिया की सुपर पावर से कैसे लड़ेगा, सुपर पावर यानी अमेरिका से कैसे लड़ेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपके अपने सांसद बोलते हैं कि हाफिज सईद के हमारे लिए अंडे देता है, इसको हम कब तक पाल के रखेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, आपके अपने मुल्क के अंदर आपकी अपनी सरकारों की नहीं चलती, उसको आईएसआई के आगे, आर्मी के आगे झुकना पड़ जाता है, आपके अपने प्रधानमंत्रियों को मार दिया जाता है। आप किस सपने में रह रहे हैं कि आपका मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है और वहां पर जन्नत है? क्या आपको लगता नहीं है एक के बदले 12 जवान आपके मर रहे हैं? दुख आप लोगों को भी होता होगा 12 जवान मरने का। अरे बात सुनो, इंसान तो आप भी है, इंसान तो आप भी है, लेकिन इंसानियत को आपने बेच रखा है, उस जमीर को बेच रखा है जो जमीर आपका होता था एक समय पर। आप मुझे बताइए, भारत को खुशी होती होगी आपको तबाह करने में? भारत को बिल्कुल खुशी नहीं होती होगी आपको तबाह करने में, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन आपने मजबूर किया भारत एक के बदले पारा मारे, आपने मजबूर किया। बात सुनोगे या बोलते रहोगे? बोलो। अभी बैंकॉक में अजीत डोवाल ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ से मुलाकात की और वहां पे भीख मांगी कि खुदा के लिए सरहदों पे हाथ जरा हल्का कर दो, भीख मांगी। तो तुम लोग बहुत बुजदिल हो, मैं बता रहा हूं, तुम भीख मांगी। मुझे तो एक ही भीख याद है, मुझे तो एक ही भीख याद है जो नवाज शरीफ ने अमरीका जाके मांगी थी कारगिल युद्ध के समय पर। हाथ जोड़ के तो नवाज शरीफ गए थे और बोला था कि माफ करवा दो भारत से, अगर यहां नहीं रुके तो ये इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। गौरव भाटिया, अच्छा अगली बात सुनो ना। अजीत डोवाल तो वो चेहरा है जिसको देखकर आप लोग खौफ खाते हैं, याद है ना? अजीत डोवाल को सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी उसने। अजीत डोवाल जी ने तो पाकिस्तान को इतनी बार करारा जवाब दिया है कि उनके नाम से इनकी पतलून गीली हो जाती है। और ये भिखारी पाकिस्तान अब बताएगा भीख किससे मांगी? आपका कटोरा पहले अमेरिका की तरफ था और अब भूख के चीन की तरफ हो गया। जहाँ का बच्चा पैदा बाद में होता है और मम्मी कहती है आतंकवादी आने वाला है, वो पाकिस्तान है जहाँ पे हाफिज सईद हीरो है। आप सोचिए कि कितना नीचे गिर गए हैं। मैं कि तो कहता हूँ रेटिंग में इंडिया को बढ़ावा मिला तो आप हीरो हैं, क्योंकि कश्मीर की आजादी हमारे के लिए हर पाकिस्तानी कुछ रुपया। मुझको बताओ, कश्मीर को तो हम संभाल लेंगे, तुम तो वो आतंकवादी पालते हो अपनी आस्तीनों में जो तुम्हारी आर्मी, यानी वो बच्चे जिन पे हमें भी गम था, पिशावर के आर्मी स्कूल में घुस के तुम्हारे पाले हुए आतंकवादी जब मासूम बच्चों को मार के जाते हैं, तुम तो अपने मासूम बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते? आज इस बात का जवाब दो, जो 12 फौजी तुम्हारे रेंजर मारे गए हैं उनकी लाशों को उनके घर वालों को वापस करोगे या नहीं करोगे? ये बिल्कुल नहीं कर सकते अमीश। देखिए, ये बेसिक मुल्क है, ये बेसिक फर्क है हमारे मुल्क में और पाकिस्तान के अंदर। नहीं, तारिक पीरज़ादा साहब, आज आपने परिचय दिया, परिचय का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो चेहरा जो आपका होता है, जो आप होते हैं, उसका आपने परिचय दिया। आपने बड़ी सादगी से एक बात को बोला, मुझे अच्छा लगा। मैंने आपको बोला था दिल पर हाजिर नाजिर, दिल पर हाथ रख के सच्चाई बोलेगा, दिल पे हाथ रख के वाकई आपने सच्चाई बोली कि हमारा हीरो हाफिज सईद है। जिस मुल्क का हीरो हाफिज सईद हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? ये इस पॉइंट को प्रूव करता है कि भारत का हीरो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई है और आपका हीरो हाफिज सईद है? और आप फिर पलट के पूछते हैं कि हमारा देश आतंकवादी देश नहीं है? अरे कैसे कोई मानेगा? डिजिग्नेटेड टेररिस्ट को आप अपना हीरो मानते हैं तो आपका हाल और हश्र क्या होगा, ये आप खुद जानते हैं। मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद तारिक पीरज़ादा, एक और बड़ी खबर जिस पर जवाब आपको देना है आज।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और मैं सीधा रुख करता हूं सिन्हा साहब का। सिन्हा साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर कुलभूषण जाधव को शुक्रिया कहना भी था तो इसमें 10 दिन क्यों लग गए? क्या पाकिस्तान बचकाना मजाक कर रहा है इस वीडियो को दिखाकर? अनिश जी देखिए, बचकाना मजाक तो कर ही रहा है, क्योंकि जब हमने उन्होंने पहला वीडियो जारी किया उसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग गई, क्योंकि पीरजादा साहब टाइप के लोगों ने भी कह दिया कि उनके माँ के साथ गलत व्यवहार किया है, ये पाकिस्तान के लोगों ने बोला, ठीक है, और उनके ये बौखलाहट में आकर के 10 दिन के अंदर, और जिस तरह से इंडियन मीडिया, जिस तरह से वर्ल्ड, आप देखिए केवल इंडियन मीडिया नहीं, बहुत सारे देशों में पाकिस्तान का एक्सपोजर हुआ, उसका काउंटर करने के लिए निकाल रहे हैं, अब 10 दिन लग गया। नहीं नहीं, मैं एक मुझे बात बताइए, एक आदमी जो कैद है वो अपने आप को खुशहाल बता रहा है, क्या इससे बड़ी झूठ की फैक्ट्री हो सकती है? अगर आपको कैद करके रखा जाए तारिक पीरजादा, तो आप बोलेंगे मैं खुश हूं बहुत, ऐसा कोई कहता है क्या जी? आम इंसान बताइए, मैं उसका जवाब देता हूं। हाँ, जवाब दीजिए। मैं उसका एक जवाब देता हूं। जिस शख्स को ये पता हो कि उसने 248 आदमियों को कत्ल करवाया है मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में, और उससे अच्छा सलूक किया जाए, अच्छा, तो वो तारीफ ही करेगा। तो आपको पकड़ के रख लेते हैं, तो आप देखते क्या बोलते हैं फिर? आगे बात सुनो, बात सुनो, तो आप अपने आप पे एक्सपोज कर रहे हैं बात के। सुनो, जब उसकी बीवी मिलने आई है ना, तो उसने जो सूट पहना हुआ था वो मेरे सूट से बेहतर सूट था, ये हमने हमारा किरदार है, हम अच्छे लोग हैं, मुसलमान हैं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, अपने आप को कितना एक्सपोज और करेंगे? आप लोगों ने उस वीडियो में बोला कि कुलभूषण जाधव जहां पर शीशे की दीवार लगी थी उनकी माँ के साथ जो बदसलूकी हुई वो उनको सुनाई दे गई, अंदर सुनाई देगी, कैसे सुनाई देगी बताइए? ऐसा 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 ऐसी आवाज कहां से मिल गई बताइए ना? क्या क्या आवाज मिल गई? नहीं नहीं, आपने बोला कि वैसे तो भारतीय राजनयिक ने जाधव की मां से ऊंची आवाज में बात करी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये सब उन्होंने कहां से देख लिया? उनको तो उनको वहां तो शीशे की दीवार थी, आवाज अंदर आ नहीं रही थी, कैसे देख लिया और सुन लिया बताइए ना? ये बिल्डिंग जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की थी, बिल्डिंग हिंदुस्तान की रॉ का दफ्तर नहीं था, एक शिपिंग कंटेनर था, वो बिल्डिंग नहीं थी पी दादा साहब, एक शिपिंग कंटेनर था जिसमें तीन ग्लास की दीवारें बनाई गई थी, एक दीवार की ग्लास से कुलभूषण को लाया गया, माँ को और बहन को, उसकी वाइफ को बीच वाले में लाया गया, और जेपी से पीछे आने वाले में लाया गया। किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? अरे इतना तो झूठ मत बोलो यार। अच्छा एक बात बताइए, झूठ मत बोलो, ये जो खुशहाली वाला वीडियो आपने निकाला, एक कंटेनर में, ये खुशहाली वाला जो वीडियो निकाला इसको 10 दिन क्यों लग गए? मैन्युफैक्चर कर रहे थे आप बनाकर वहां पर, पहले ही वीडियो आप बोल रहे, आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे वीडियो को, बना रहे थे, दिखा रहे हैं ये नहीं, इसमें आदमी शिक्षा है, छोड़ इनको, देखो तारीख बोल रहा हूं, देलवी साहब कुलभूषण को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, आपकी दहशतगर्दी को जाहिर, आप अपने आप को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो बॉर्डर पर भेजते हो पिट के आ जाते हैं, आप इस्तेमाल करेंगे, सूरत हाल ये है, आपको बताएंगे की परेशानी ये है, डॉटर ऑफ मोदी की मां बेनजीर भुट्टो ने लिखा है कि इनकी जेलों में औरतों के साथ क्या होता है, जब भुट्टो को फांसी दी जाने वाली थी उस वक्त नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के साथ आईएसआई के एजेंट और ये आर्मी वाले क्या करते थे, पाकिस्तान का पुराना चरित्र है कि जेलों में बंद लोग और उनके बाहर उनकी फैमिलीज के साथ क्या करते हैं, इससे बदतर क्या हाल होगा? ठीक है, ओके, ओके, 12 जवानों के सबने उठा दिया। गौरव भाटिया का रिएक्शन है, तो गौरव भाटिया योर टर्न रिस्पोंड, कुलभूषण जाधव का वीडियो कितना बड़ा फर्जी वीडियो था? देखिए पहले तो ये इनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है जिनेवा कन्वेंशन के तहत कि इनको काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो क्यों पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस नहीं देता? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा, इनके खिलाफ रूलिंग दी, और जूते चप्पल जो कि ये रोज खाते हैं, इतने जूते चप्पल इन्हें पड़ते हैं, तो इनको मोहब्बत भी जूते चप्पल से हुई कि जाधव की माता का, जाधव जी की पत्नी का जूते चप्पल उतार लिया इन्होंने, बताइए। अरे जूते चप्पल उसके तो सारे करोड़ों बिकवाएंगे आपको, रोड चलेंगे हिंदुस्तानी जरूर, ये जो फेक
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। आपका भी शुक्रिया तारिक पीर ज़्यादा जुड़े आप, गौरव भाटिया प्लेजर हैविंग यू, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है इसीलिए उसके पैर जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, और कमज़ोर पैर अक्सर टिकते नहीं हैं। इसीलिए जब बॉर्डर पर मार खाई तो एक झूठे वीडियो के सहारे हो गए। आज हमने वो भी खुलासा किया कि किसने कहाँ से और कैसे किडनैप किया था कुलभूषण जाधव को, तो ये बताता है अपने आप में कि सिचुएशन क्या है। आप लोगों ने आर पार देखा, इसके लिए शुक्रिया। नमस्कार, अब वक्त है अगले शो का, चलते हैं सुमित के पास।